अभिषेक और आज हम आपके सामने हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है, हमारे बच्चों की बहुत सारी मांगे हैं, उनको हम धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं। और ये जो मांगे हैं पूरी करना ज़रूरी है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है हमारे भिलाई में, तो बाकी सारे जो नेता है वो भी वही कर रहे हैं, तो हमको लगा हमें भी करना चाहिए। तो हम इसी कड़ी में आज लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम कॉलेज कंपैरिजन के बारे में बताएंगे। हमारे जो कमेंट बॉक्सेस है वहाँ में, वहाँ पर बहुत से बच्चे जगदलपुर राजनांदगांव, जगदलपुर और बिलासपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव, बहुत तरीके से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं और एक एक कॉलेज के बारे में उन्हें जानना है। तो हम धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी जितनी भी आपकी डिमांड्स है वो फुलफिल हो सके, ताकि आप हमें वोट करें। कैसे वोट करना है? ऐसे लाइक का बटन दबा के, और हमारा बस सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। तो वीडियो देखने के पहले ही लाइक कर दीजिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम आपके सामने कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है किसके ऊपर है? बिलासपुर और जगदलपुर के ऊपर है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा कुछ बच्चों ने ये कहा है कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी कंपैरिजन चाहिए। एंड ऑब्वियसली बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रिफर करेंगे, तो हम उनके लिए ज़रूर ये मेडिकल कॉलेजेस का कंपैरिजन लेकर आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ एक नया कंपैरिजन वाला वीडियो आपके सामने लेकर आ सके। और इसी कड़ी में आज का वीडियो है बिलासपुर और जगदलपुर। देखिए, इसके पहले मैंने अभी दोनों कॉलेजेस को दूसरे कॉलेजेस के साथ कंपेयर किया है, बिलासपुर को रायपुर से और जगदलपुर को राजनांदगांव से। और इसी कड़ी में आज हमारा बिलासपुर और जगदलपुर का कंपैरिजन है। दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि जगदलपुर बेटर है, बहुत लोगों का ये कहना है कि बिलासपुर बेटर है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और उन्हीं 5 पॉइंट्स पर बताऊंगा, जिन 5 पॉइंट्स पर हम आप तक बात करते आए हैं। इसके बाद ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज को अपने लिए बेटर मानते हैं और उसे अपना प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है हमारा क्या था? हर बार की तरह पेशेंट फुटफॉल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पर फिर से वही बात है कि दोनों जो शहर हैं उनका लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकेशन कॉलेज या आपके हॉस्पिटल का नहीं, उस शहर का लोकेशन, जियोग्राफिकली वो कहाँ पर है। बिलासपुर जो शहर है उसके आसपास आपको अंबिकापुर मिल जाएगा, रायपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दुर्ग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राजनांदगांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राजनांदगांव, रायपुर और अंबिकापुर में ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके बहुत ही अच्छे वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा बिलासपुर के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बड़े और डेवलप्ड हैं। इसके साथ साथ बिलासपुर जो होता है वो महाराष्ट्र से बॉर्डर बना लेता है, महाराष्ट्र और एमपी के भी जो शहर है वो काफ़ी डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड शहर के आसपास होने के कारण बिलासपुर के पास क्या एक नुकसान हो जाता है कि उसके जो पेशेंट्स हैं वो बट जाते हैं। उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो बिलासपुर या ज़्यादा से ज़्यादा मुंगेली जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आप ज्योग्राफी अगर आप समझते हो छत्तीसगढ़ की, तो ये जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट है वहीं के पेशेंट्स आएंगे, क्योंकि आसपास बहुत सारे और बड़े शहर हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखिए दूसरे तरफ क्या है, जगदलपुर का कॉलेज। और जगदलपुर मैंने आपको बताया था कि बस्तर में एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अगर आप और कोई बड़ा शहर जहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल सके, इवन एक गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको खोजना है, तो जगदलपुर से उठ के अभी कांकेर आएंगे आप। इसके पहले तक तो कांकेर तक भी नहीं था, आपको रायपुर जाना पड़ता गवर्नमेंट कॉलेज खोजने के लिए। तो जगदलपुर में कॉलेज है और बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस, बहुत ही डेवलप्ड हॉस्पिटल है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बस्तर में, कांकेर को छोड़ के, वहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफ़ी अनडेवलप्ड है हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में। अगर वहाँ का कोई बच्चा देख रहा है या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानना, ये तो सच्चाई है। शहर बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, शहर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स डेवलप नहीं है। तो क्या हो जाता है, वहाँ के सब लोग कहाँ आते हैं इलाज कराने? जगदलपुर में। अब पास का कोई सबसे बड़ा शहर, जगदलपुर से विशाखापट्टनम पड़ता लगभग 350-400 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और जगदलपुर से रायपुर पड़ता ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, यानी कि एटलीस्ट 4-5 आवर्स का ड्राइव करना पड़ता है। यानी कि बड़ा शहर
बहुत दूर है। आसपास का सबसे बड़ा शहर जगदलपुर, तो ज़्यादा पेशेंट्स कहाँ आएंगे, जगदलपुर में आएंगे, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, तो फिर पेशेंट फुटफॉल ऑब्वियसली आपको जगदलपुर में ज़्यादा दिखेगा। इसीलिए नहीं क्योंकि बिलासपुर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बस इसीलिए क्योंकि बिलासपुर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, बिलासपुर के आसपास शहर है जहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पर पेशेंट फुटफॉल कंपैरेटिवली कम हो जाता है। कंपैरेटिवली समझिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। मैंने पिछली बार यहाँ पर टिक कर दिया था, अभी बोलोगे इसमें कटपट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना बेटा। तो इस कॉलेज के हिसाब से यहाँ पर मुझे लगता है कि पेशेंट फुटफॉल कम होगा। सेकेंड क्या पॉइंट रखते हैं हम लोग, हमेशा फैकल्टीज का रखते हैं, और फैकल्टीज को लेके पिछली वाले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो चीज़ यहाँ पर जगदलपुर के लिए काम कर जाती है, वही चीज़ यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर जगदलपुर के लिए एक नेगेटिव माइनस मार्किंग लेके आती है। क्योंकि जगदलपुर एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर, वैसे तो जगदलपुर बहुत बड़ा शहर है, बहुत वेल डेवलप्ड है, सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कोई दूसरे शहर से पोस्ट होता है जगदलपुर में तो चाहता है कि अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लें। ये सबके माइंड में बैठ गया, बस्तर में जाके काम नहीं करना, चाहे बस्तर कितना भी आगे चला जाए। तो अभी तो ये माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होता है जगदलपुर में जब कोई पोस्टिंग होती है तो जल्दी ट्रांसफर करा लेते हैं, और मेनली लोग काम करना कहाँ चाहते हैं, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर में। तो जो भी आपके टीचर्स होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रोफेसर्स या वो जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत टाइम तक नहीं होंगे, फ्रिक्वेंटली चेंज होंगे। फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं कि एक साल में, बट या बहुत से चांसेस हैं कि हर डिपार्टमेंट्स में से हर या चार पाँच साल में एक जो फैकल्टी होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफ़र ले लेगा। इसीलिए बिलासपुर में कोई होगा तो वो ऑब्वियसली टिका रहेगा वहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा शहर है, बड़ा सा शहर है। तो जगदलपुर में आपको फैकल्टी बराबर है, लेकिन फैकल्टी की कंटिन्यूसली के हिसाब से हम जगदलपुर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों क्रॉस कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि वहाँ पे फैकल्टीज नहीं है, हैं, लेकिन चेंज होने की, कंटिन्यूटी ना होने के चांसेस जगदलपुर में ज़्यादा है, बिलासपुर में कम है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कल को अगर किसी और टीचर किससे पूछते हैं और आपको बोलते हैं जगदलपुर अच्छा है, तो जगदलपुर अच्छा है। मेरा क्या कहना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि जगदलपुर में जो डॉक्टर्स या फैकल्टी है, जो प्रोफेसर है, उनकी कंटिन्यूटी कम होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर उनके कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा क्या है, लोकेशन। लोकेशन देख लो, क्या लोकेशन के बारे में हम क्या बोलते हैं, लोकेशन वही कि आपका कॉलेज कहाँ पर है। आपको मज़ा आएगा कि नहीं शहर में पढ़ने में, शहर की सारी फैसिलिटीज़ आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में कैंपस में रहते हैं तो अगर आपको शाम को कहीं घूमने जाना है तो जा पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें बच्चे ऑब्वियसली सोचते हैं। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि शुरू दो के बाद बाकी सारी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर, और हम सब तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से लोकेशन मैटर करता है। जहाँ पर जगदलपुर बिल्कुल सिटी सेंटर में एकदम मस्त से लोकेशन में, नई बिल्डिंग के साथ, सुंदर फिनिशिंग के साथ, जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज है, और बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग जो है पुरानी है और थोड़ा सा शहर से दूर है, इतना नहीं कि बहुत एकदम जंगल में, बट ऑब्वियसली अगर इससे कंपेयर करें तो दूर है। अब देखिए चौथा पॉइंट हम क्या बोलते हैं हर बार, हम चौथा पॉइंट हर बार बोलते हैं कि इस्टेब्लिश क्या हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट में ये याद रखिएगा, ये नहीं कि जो पहले बन गया वो अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट का ये मतलब है कि उस कॉलेज के बनने के बाद उसको 10-12 साल का टाइम मिला है कि नहीं मिला है, अपनी बिल्डिंग, अपने लैब इक्विपमेंट्स को सेट करने में, इसके साथ साथ फैकल्टीज को सेट करने में, सारा मेडिकल फैसिलिटी बनाने में उसको एटलीस्ट 10 ईयर्स को लगेंगे, तब जाके आप बोलोगे यस इट इज़ वेल डेवलप्ड कॉलेज। तो अगर कोई 10 साल से ज़्यादा पुराना है और ऐसे ही 12 किसी का 12 है, किसी का 15, किसी का 17, तो तीनों कॉलेजेस क्या हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। 2001 में बिलासपुर बना, 2006 में जगदलपुर बना, दोनों को लगभग 15-16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बिलासपुर को 20 और इसको 15 साल हो गए हैं, तो दोनों में हम क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही कॉलेज पुराने हैं, अच्छे हैं, डेवलप्ड हैं। इसके बाद पांचवा और आखिरी पॉइंट, हम हमेशा हॉस्टल को बोलते हैं। हॉस्टल की बहुत मस्त सी बिल्डिंग बनी है, कुछ यूट्यूबर्स ने जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स का वीडियो डाला, खोज कर देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा काफ़ी वेल डेवलप नया बिल्डिंग है। इसके साथ साथ बिलासपुर का जो कॉलेज का हॉस्टल है वो भी बहुत अच्छा है, बट अगर फिर भी अगर आप चाहें कि लोकेशन के हिसाब से हॉस्टल सिटी सेंटर में है और उसके साथ साथ नई बिल्डिंग है, इसके साथ साथ शहर के बीचों बीच है, तो फिर जगदलपुर को हम एक दे देते हैं पॉइंट और यहाँ पर बिलासपुर का काट देते हैं। अब देखिए अब क्या बात हो रही है, बात यह हो रही है कि
कि आपको यहाँ पर जगदलपुर से पॉइंट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिलासपुर के पॉइंट्स कम देखने को मिल रहे हैं। अगर इन क्राइटेरिया पर डालेंगे तो दोनों ही कॉलेज लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बिलासपुर खराब है, बिलासपुर को हमने क्या किया, जगदलपुर से अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कंपेयर किया, बट स्टिल बिलासपुर का जो कॉलेज होगा वहाँ पर भी पेशेंट्स होंगे, वहाँ पर भी फैकल्टीज होंगे, वहाँ पर भी लैब की फैसिलिटी है, तो दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि जगदलपुर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर मुझे शायद ज़्यादा पेशेंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से पेशेंट्स मिलेंगे, मेरे को लोकेशन अच्छा मिल जाएगा, तो मैं जगदलपुर चूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा तो मैं बिलासपुर चूज़ कर लेता हूँ, बिलासपुर ज़्यादा पास है शहर के मेरे घर से, तो बिलासपुर, जगदलपुर ज़्यादा पास है तो जगदलपुर, आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और दोनों ही पॉइंट्स में बहुत से टीचर्स से बोलेंगे कि ये तो बिलासपुर बेस्ट है, बट ऑब्वियसली अगर ऐसे कंपेयर करें तो जगदलपुर बेटर कॉलेज होगा आप लोगों के लिए। तो रायपुर के बाद अगर आप सेकंड प्रेफरेंस पे जगदलपुर बनाते हैं तो भी वो सफिशिएंट होगा, सही डिसीजन होगा। और मैंने जब इसके कट ऑफ की लिस्ट बताई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि जगदलपुर सेकंड प्रेफरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में बैठ गया जगदलपुर को थोड़ा पीछे रखने के लिए, तो कट ऑफ कम हो जाता है, और अगर आपके थोड़े नंबर अच्छे हैं रायपुर से कम है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जगदलपुर मिल जाएगा और आपकी लाइफ सेट। तो इस तरीके से आप अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस जो है वो सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो इसके बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन नीचे कमेंट कर लीजिए कि क्या क्या आपको डाउट्स हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ में साथ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप एक एनिमेशन आता है, वैसे ही सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, कंप्यूटर में देख रहे हो तो थोड़ा सा हाथ घुमाइए, कर्सर से क्लिक करिए, और मोबाइल पर देख रहे हो तो बस टच ही तो करना है, कौन सी मेहनत है। और उसके बाद मैं घंटी बनाऊंगा ऐसे, उसको बेल आइकन बोलते हैं, बेल आइकन को टंग से दबा देना, उससे क्या होगा कि अगला जब वीडियो आएगा तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि अभिषेक सर या सुभाष सर या रवि सर का एक नया वीडियो आया है, तो जाकर आप उसको तुरंत देख सकते हैं। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।